हेलो दोस्तों, आज हम प्रतिभाशाली बालक के बारे में बात करेंगे। के प्रतिभाशाली बालक का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कौन होते हैं प्रतिभाशाली बालक। सामान्यतः वैसे बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है जिनकी बुद्धिलब्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है, अर्थात जिनकी बुद्धिलब्धि का मापन 120 से ऊपर या उसके बराबर होता है। चूँकि पहचान का आधार तो बुद्धि तथा प्रवीणता ही है, परंतु आधुनिक शिक्षाविदों तथा वैज्ञानिकों का मत है कि प्रतिभाशाली बालकों की पहचान उनकी प्रवीणता तथा बुद्धि पर नहीं की जा सकती, बल्कि अन्य तथ्यात्मक आधारों पर भी दृष्टिपात करना अनिवार्य है। इसके बगैर ना तो बालकों को स्पष्ट पहचान हो सकती है और ना ही वैज्ञानिक रूप से इसे दुरुस्त ही माना जा सकता है। प्रमुख विद्वान मेकर टॉरेंस ने भी स्पष्ट तौर पर कहा है कि मात्र बुद्धि तथा प्राप्तांकों के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करना कसौटियों में ढालना समुचित नहीं है। इसके लिए इन्होंने निम्नांकित आधार तय किए हैं। सृजनात्मक प्राप्तांक, फिर है शिक्षक द्वारा मनोनयन, नेक्स्ट स्वयं द्वारा मनोनयन, बुद्धि प्राप्तांक एंड उपलब्धि प्राप्तांक, माता पिता द्वारा मनोनयन और साथियों द्वारा मनोनयन। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली बालकों के लिए विविध कसौटियां तैयार की हैं जो सृजनात्मक तथा श्रेष्ठता से कहीं ज़्यादा विस्तृत तथा प्रभावशाली हैं, अर्थात बुद्धि प्राप्तांक तथा सृजनात्मकता के अलावा शिक्षकों, साथियों, माता पिता तथा स्वयं के द्वारा भी उसे श्रेष्ठ मनोनीत किया जाना आवश्यक होता है। अर्थात वैसे बालक प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं जो उपरोक्त सभी श्रेणियों में सफल साबित होते हैं। टॉरेंस 1977 में प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में कहा है कि वैसे बालक प्रतिभाशाली तथा प्रवीण होते हैं जो मानव व्यवहार के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा उत्तम निष्पादन करते हैं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। टॉरेंस के इस मत का समर्थन लिली तथा लेविस ने भी किया है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली तथा प्रवीण बालक वह बालक है जो बुद्धि समेत अन्य सामाजिक क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्ति की पर्याप्त क्षमता रखता हो। हैविंग हर्स्ट का मानना है कि कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभान बालक वह है जो कि निरंतर किसी भी कर्म क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कौशलता तथा प्रवीणता का परिचय देता है। इसी प्रकार प्रेम पसलिया का मत है कि प्रतिभावान बालक वह है जो सामान्य बुद्धि की दृष्टि से श्रेष्ठ प्रतीत हो, अथवा वह है जो उन क्षेत्रों में जिनका अधिक बुद्धि लब्धि हो से संबंधित होना आवश्यक नहीं है, उच्च कोटि की विशिष्ट योग्यताएं रखता हो। प्रतिभावान बालकों की पहचान। वर्ष 1920 से अब तक के विशिष्ट अध्ययनों के आधार पर प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान में विशेषताएं, उच्च शाब्दिक योग्यता होती है प्रतिभावान बालकों में, उच्च गणित योग्यता होती है, विविध क्षेत्रों में उच्चता होती है। जन्मिक विशेषताएं, जो प्रतिभावान बालक होते हैं शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक आकार, शक्ति में अन्य बालकों से अच्छे होते हैं। विशिष्ट बालक प्राय भाषा, विकास, अभिव्यक्ति में अच्छे होते हैं। उनकी सीखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, किंतु कुछ विशिष्ट बालक अपनी योग्यता को पहचान नहीं पाते। ये सामाजिक व्यवहार के मामले में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। प्रतिभावान बालक पठन पाठन में काफ़ी तीव्र क्षमता वाले होते हैं। इसके निम्न कारण हैं, यानी तत्परता कम हो, घर का वातावरण आरुचिकर हो, संवेगात्मक समस्याएँ अधिक हों। प्रारंभिक अवस्था में प्रतिभावान बालकों में श्रेष्ठता ग्रंथि होती है। प्रतिभावान बालक के अन्य गुण इस प्रकार हैं। इसमें क्या होता है, पढ़ने की जो योग्यता होती है उसका विकास काफ़ी तीव्र होता है। ये प्रारंभिक अवस्था के कारण तथा प्रभाव के संबंध को जानना चाहते हैं, कला तथा संगीत में रुचि रखते हैं तथा गाना गाकर दिखा सकते हैं, साधारण बालकों से अधिक समय ध्यान लगा सकते हैं, पठन तथा पाठन पसंद करते हैं, प्रारंभिक उम्र में ही कैलेंडर तथा घड़ी देखना सीख जाते हैं,
कहानी बताने बनाने की योग्यता रखते हैं, चीज़ों को ध्यान से देखना उनके विषय में बताना उनकी विशेषता होती है, शब्दों का भंडारण होता है, शब्दकोशों का प्रयोग जल्दी तरह ठीक ठाक करने लगते हैं, भाषा ज्ञान काफ़ी ज़्यादा होता है, शब्दों के प्रयोग में माहिर होते हैं, तरह तरह की रुचियों का विकास होता है, ये प्रतिभाशाली बालकों की पहचान होती है। ओके, आज के लिए इतना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।